सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम जो आपका फर्स्ट पेपर का जो वर्टिब्रेट वाला पेपर है उसमें हम मछलियों के सामान्य लाक्षणिक गुणों की का वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द जनरल फीचर्स ऑफ पीसिस। पीसिस इज द नेम ऑफ फिश। आपको पता है कि ये जो वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन होता है उसमें मछलियों को जिस सुपर क्लास में रखा हुआ है उसको हम पीसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन करें कि व्हाट इज अ फिश, मछलियां होती क्या है। अगर इसको हमें बायोलॉजिकली या जूलॉजिकली डिफाइन करना हो तो फिश इज अ सुपर क्लास, हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एंड पीसेस मतलब फिश ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। एंड दे आर ट्रूली एक्वेटिक। ट्रूली एक्वेटिक कहने का मतलब दे आर वेल एडेप्टेड फॉर द एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो जलीय जीवन होता है उसके लिए पूर्णतया ये अनुकूलित होते हैं। और जलीय अनुकूलन होता है जैसे सांस लेने के लिए इनको, चूंकि एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है, गिल की आवश्यकता पड़ती है, अंदर गियर ब्लैडर होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, पानी में चलने के लिए इनके पास फिन होते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर जो है दे आर द काइंड ऑफ एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जलीय जीवन के लिए ये प्रकार का एडेप्टेशन या अनुकूलन। अब हमें यह देखना है कि इसको आगे क्या 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 जाने की। दिस इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आप जानते हो कि कुछ जानवर जो होते हैं उनको हम शीत रखती है बोलते हैं, कुछ को उष्ण रखती है बोलते हैं। शीत रखती है जानवर जो होते हैं उनमें क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर जो है वो वातावरण के तापमान के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत बदलता रहता है। लेकिन जो उष्ण रक्तीय प्राणी होते हैं उसमें द टेम्परेचर इज नॉट रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंट, वो वातावरण से रेगुलेट नहीं होता। वातावरण द्वारा जब तापमान का, शरीर के तापमान का नियमन नहीं होता है, शरीर का तापमान स्थिर होता है, फिक्स होता है, तो वो उसको हम हीमोथर्मल एनिमल या वार्म ब्लडेड एनिमल या उष्ण रक्तीय प्राणी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल, ये सारे के सारे जो है दे आर द पॉइकिलोथर्म्स और तब वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दूसरी बात, ये जॉड एनिमल है। हमने कहा था आपको जब वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि बेसिकली कुछ जानवर जो होते हैं कॉर्डेट्स के उनमें जबड़े होते हैं, कुछ भी जबड़े नहीं होते। जो जबड़े जिसमें नहीं होते उसमें एक नाथा आता है, इसमें पेट्रोमाइजॉन और हेगफिश वगैरह आती है। लेकिन उसके बाद सारे जबड़े वाले प्राणी शुरू हो गए, तो जिनमें जॉ होता है, जॉड वर्टिब्रेट्स हैं, दे आर नेथोस्टोमैट्स। जैसे मैंने बताया कि ये गिल से रेस्पायर करते हैं और अपने चलने के लिए वो पेयर्ड और नॉन पेयर्ड। पेयर्ड मतलब कुछ, जैसे देखिए ये इसके फिन है, एक फिन यहाँ है, दूसरा फिन यहाँ है, तीसरा यहां पर भी फिन है, ये भी इसका फिन है। फिन मतलब पख। तो आप देखिए कि जैसे इधर एक फिन बना हुआ है इसको हम पेक्टोरल फिन बोलते हैं, ऐसा ही बॉडी के दूसरी साइड भी होगा। तो ये जोड़ी में है, जैसे हमारे हाथ दो हैं, पांव दो हैं लेकिन नाक एक होती है, उसी प्रकार कान दो हैं लेकिन हमारा कुछ ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जो एक ही होता है। तो जो एक ऑर्गन है वो अनपेयर्ड है और कुछ जो जोड़ी में है वो पेयर्ड है। तो कुछ इसके जो पख होते हैं, ये देखिए ये फेल्विक फिन है, यहाँ पर ये एनल फिन है, ये डॉर्सल फिन है। तो ये जो जैसे डॉर्सल फिन है ये एक ही होगा, कॉडल फिन है ये एक ही होगा, एनल फिन भी एक ही होगा। एक्चुअली जो जैसे पेल्विक और जो पेक्टोरल फिन्स है ना ये पेयर्ड में होते हैं और ये चलने के लिए क्या होता है कि बेसिकली जैसे कॉडल फिन है तो इनके बॉडी को प्रोपेल करता है, ये जब बीट करते हैं तो शरीर इसका आगे बढ़ता है। लेकिन शरीर को डायरेक्शन देने के लिए ये जो पेक्टोरल फिन है ये काम आता है। अगर इसको दाएं मोड़ना है तो दाएं तरफ वाला पेक्टोरल फिन ज्यादा बीट करेगा, बाएं साइड वाला कम करेगा। बाएं मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला ज्यादा ये चलेगा, ये वाला फिन ज्यादा चलेगा, दूसरे साइड वाला कम चलेगा। तो इस प्रकार से ये मुड़ जाएंगे। इसके शरीर पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल फिश इसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के स्केल्स होते हैं मछलियों में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये ट्रूली एक्वेटिक एनिमल है, ये गिल से रेस्पायर करते हैं और इसमें चलने के लिए जोड़ी में और बिना जोड़ी के कुछ फिन या पख होते हैं। अब जनरल कैरेक्टर हम देखें कि ये एक्वेटिक है, मैंने पहले ही बता दिया। ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं। मछलियों की कुल मिलाकर के दुनिया में 40,000 से ऊपर स्पीसीज है और उसमें ज्यादातर जो है वो समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं, जिसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे स्कॉलियोडॉन है, शार्क है ना, राइनोबेटस है,
रेज हैं, बहुत सारे जो ये सब कॉमन फिश हैं, ये सारे के सारे समुद्र में रहती हैं। बाकी कुछ जो फ्रेश वाटर की मछलियां हैं जो हमारे आसपास यहाँ फिश मार्केट में मिलती हैं, रोहू है, कतला है, मृगल है, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर हैं। फिर मछलियां कुछ हर्बीवोर होती हैं, शाकाहारी प्राणी। जैसे मान लीजिए ये जो क्या कहते हैं लेवियो कतला है, लेवियो कतला ये फाइटोप्लैंक्टन्स खाता है। कुछ कार्निवोर होते हैं जैसे शार्क वगैरह मछलियां कार्निवोर, ये कोल्ड ब्लडेड है, मैंने जैसे बताया आपको। ओवीपेरस अंडे देते हैं, या फिर इसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है, ये अंडे के साथ जो होता है भ्रूण का पूरा निर्माण नहीं होता, तो इसको हम अंडज प्राणी कह सकते हैं या जरायुज तो नहीं कह सकते, अर्ध जरायुज कह सकते हैं। इस प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। शरीर स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइन तरकु रूप है। जैसे अभी लास्ट डायग्राम में आपने देखा कि बॉडी आगे और पीछे से थोड़ा पतला होता है, बीच में इसके इसका साइज बड़ा होता है। इस प्रकार का जो बॉडी है ये पानी में चलने के लिए क्या होता है कि पानी का जो रेजिस्टेंस होता है चलने के दौरान, इसके मूव करने के दौरान, इस प्रकार के शरीर में कम फील होता है। और बहुत सारी मछलियां हैं जो ईल नाम की एक मछली है जो स्नेक लाइक होती है, सांप जैसी आपको दिखाई पड़ेगी। एम्फिपियस कुचिया है, मोनोप्टेरस है, कुछ ऐसी मछलियां जिनको देखने के बाद आपको लगेगा ये तो बिल्कुल इनका आकार सांप जैसा है। जैसे ईल तो फिर भी आपको रिवन के शेप जैसा लगेगा। फिर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब होता क्या है कि मछलियां ऐसी होती कि जैसे उसका पीठ और पेट आपस में चिपका दिया हो, कुछ ऐसी मछलियां होती हैं। जब मछलियों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम अलग अलग शेप एंड साइज वाली मछलियां देखेंगे। शरीर को सामान्यता जो सिर, धड़ और पूंछ इसमें डिवाइड कर सकते हैं, अभी लास्ट वाले डायग्राम में देखा था, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। लोकोमोशन के लिए इनके पास पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अनपेयर्ड फिन है, इसे मीडियन डॉर्सल है, कॉर्डल फिन है, ये अनपेयर्ड फिन है। और आमतौर पर ये जो होते हैं इसमें कुछ डर्मल फिन रेज होते हैं, ठीक है। इसमें माचिस की तीलियां जैसे होती है, उसका तीलियां लगी होती हैं इसमें, जिनको हम फिन रेज कहते हैं, जिसके द्वारा ये फिन जो होते हैं सपोर्ट होते हैं। तो कहीं कहीं पर जो फिन रेज होता है काफी कठोर होता है, उसको स्पाइनी फिन रेज होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप होता है। टेल इसका मस्कुलर है, और इस मस्कुलर टेल की वजह से जो शरीर को पीछे से आगे, जैसे जेट इंजन में पीछे से धुआं उठता है तो वो आगे जाता है, उसी प्रकार से मछलियां अपने टेल से प्रोपेल करती हैं। इसमें एक्जो स्केल्टन के नाम पर डर्मल स्केल्स होते हैं, कहीं कहीं बोनी स्क्यूट्स होता है। कुछ जो मछलियां विलुप्त हो गई, ये जो बोनी प्लेट वाली मछलियां तो अब है नहीं, ये प्लैकोडर्मी का एक समूह है। तो बोनी प्लेट यानी कि हड्डी से बने हुए शरीर पर प्लेट हुआ करते थे, ये मछलियां अब है नहीं। अब जो ज्यादातर जो मछलियां हैं उसमें बोनी प्लेट, ज्यादातर क्या, जो मछलियां अभी जिंदा हैं, अभी हैं अस्तित्व में, उनमें बोनी प्लेट पाया ही नहीं जाता। और जो स्केल्स होते हैं, जो आजकल जीवित मछलियों में जो स्केल या शल्क जिसको आप कहते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कॉन्ड्रिक्टिस समूह की मछलियां, उसमें प्लेक्वाइड स्केल होगा, जैसे ये स्कॉलियोडॉन है, शार्क है वगैरह। उसके बाद कुछ में गैनोइड होता है, कुछ में साइक्लॉइड होता है, कुछ में टीनोइड होता है। जो गैनोइड होता है थोड़ा प्राचीन प्रकार की जो मछलियां होती हैं, कॉस्मोइड गैनोइड इसमें स्केल उसमें होता है। और जो साइक्लॉइड और टीनोइड है वो नॉर्मल जो आप अपने फ्रेश वाटर फिश है उसमें भी पाया जाता है। और ये ऑस्टिक्थिस समूह की मछलियां, ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है और ऑस्टिक्थिस है, दो इनका मेन समूह है जिसका हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्लेक्वाइड है, गेनोइड है, कॉस्मोइड है, साइक्लॉइड है, टीनोइड है, इस प्रकार के ये अलग अलग प्रकार के शल्क इसके शरीर जाते हैं। फिर अब हम दूसरा देखें कि एंडोस्केल्टन, अगर ये देखिए जैसे ये जो मछली आप देख रहे हो ना, ये कार्टिलेजनस है, यानी कि ये कार्टिलेजनस फिशेज है, यानी कि ये कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां हैं, इलास्मोब्रैंक भी कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए कि इसके अंदर जो अंतः कंकाल इनका होता है वो कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है। जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे हमारे जो अंग हैं वहां पर उपास्थि पाए जाते हैं, जैसे हमारे नाक है, कान का ये पिन्ना है, उसी प्रकार से जहां घुटनों का ज्वाइंट होता है, या जहां पर जो वर्टिब्रिज का ज्वाइंट होता है, कई जगह पर हमारे शरीर में उपास्थि, उपास्थि मूल रूप से एक कठोर कार्बनिक संरचना है, जबकि जो हड्डी है उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और के फॉस्फेट्स और दूसरे सॉल्ट्स होते हैं ये। तो अगर जो अंतः कंकाल, जहां हमारा अंतः कंकाल जो है वो अस्थि का बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है, तो हमारा हमारा जो स्केल्टन है वो बोन स्केल्टन है।
लेकिन मछलियों में एक बहुत बड़ा समूह मछलियों का ऐसा है जिसमें कि उनका जो कंकाल होता है वो उपास्थिल होता है, यानी कि कार्टिलेजनस होता है। ठीक है, तो ये कार्टिलेजनस फिश है और ये जो आपको दिख रहा है ये बोनी फिश है। उसके बाद होता क्या है कि नोटोकॉर्ड आमतौर पर जो उपास्थिल मछलियां है उसमें तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, लेकिन जो अस्थिर मछलियां हैं इसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, यानी कि मेरुदंड आ जाता है। जो नोटोकॉर्ड की चर्चा हमने इससे पहले वाले क्लास में की थी, जो कि एक प्राइम कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का। तो जैसे लिखा हुआ है कि एंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजनस, यानी कि उपास्थिल होगा या अस्थिल होगा। नोटोकॉर्ड आमतौर पर वर्टिब्रल द्वारा रिप्लेस किया जाता है, लेकिन ये आमतौर होता क्या है अस्थिल मछलियों में ज्यादा होता है ये, और उपास्थिल मछलियों में कम होता है। उसके बाद एक उसमें क्रेनियम या स्केल होता है, विसरल आर्चेज होते हैं जिसमें गिल को बनाने वाले जो वाला जो मेहराव जैसी संरचना यहाँ पे गले में होती है इसको हम विसरल आर्चेज कहते हैं, और इसके कई नाम है, इसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो जो विसरल आर्चेज है ये पेयर करके ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा बनाते हैं। जो विसरल आर्चेज है वो गिल भी बनाते हैं और जबड़े, जो आगे के जो एक दो विसरल आर्चेज है, विसरल आर्चेज की मैं हिंदी मैं बताने मैं भूल रहा हूं अभी। तो विसरल आर्चेज मतलब गले के पास, गले के यहां पर क्या होता है कि हड्डियों का एक पेयर होता है इस प्रकार से, ऐसे ये यहां पर गले के एरिया में स्कल से ठीक नीचे ये एक कठोर संरचना है, स्केल्टल स्ट्रक्चर है, और ये जबड़े बनाने में ही मदद करता है और गिल भी लॉज्ड होते हैं इसमें। तो ये पहला और दूसरा पेयर जो होता है आमतौर पर ये गिल बनाने में लगता है। उसके बाद इसके शरीर में क्या होते हैं मसल्स होते हैं अरे, जैसे यहाँ पे जैसे ये मसल जो है ना ऐसे करके ये मसल्स के ऐसे बैंड्स बने होते हैं शरीर में जिसको मायोटॉम्स कहते हैं। या आगे की जैसे अगर आपने एम्फियोक्सस पढ़ा है तो आपने मायोटॉम्स या मसल्स प्लेट के बारे में पढ़ा होगा, जो पेशी पट्टिकाएं होती हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक स्टमक होता है, स्टमक मतलब एक आमाशय होता है, पेनक्रियास होता है, और ये क्लोइका में या एनस में खुलता है, आमतौर पर ये क्लोइका में खुलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए यानी कि श्वसन के लिए इसमें गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, और ये 5 से 7 पेयर गिल होते हैं। 7 तो खैर अब 7 पेयर वाली गिल वाली मछलियां तो विलुप्त हो गई, आमतौर पर जो मछलियां सामान्य रूप से आप देखेंगे उसमें 4 या 5 जोड़ी गिल या क्या बोलते हैं उसको क्लोम पाए जाते हैं। अब ये जो क्लोम है या ये तो नेकेड होगा या फिर अपर कुलम से कवर्ड होगा। अब यहां मैं आपको बता दूं, जैसे यहां देखिए यहां गिल आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम अपर कुलम बोलते हैं, है ना। गिल का एक कवर है, गिल का आवरण है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये 5 पेयर गिल आपको दिखाई दे रहे हैं, पर कोई अपर कुलम नहीं है, गिल स्लिट सही सारे बने हुए। तो ये जैसे बोनी फिश में तो आमतौर पर अपर कुलम होता है और स्टिकथिस की मछलियां हैं, लेकिन जो कार्टिलेजनस फिश है उसमें आमतौर पर ये अपर कुलम नहीं दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आप देख लीजिए कि एक टेल का स्ट्रक्चर, इसमें टेल देखिए, इसमें इसके पूंछ की दोनों पालियां बराबर हैं, लेकिन यहां पूंछ की पालियों में एक साइड ज्यादा बड़ा है, एक साइड छोटा सा है। इस प्रकार का टेल होमोसर्कल टेल कहलाता है और ये हेट्रोसर्कल टेल कहलाता है। तो आमतौर पर जो कार्टिलेजनस फिश होती है उसमें हेट्रोसर्कल टेल ही पाया जाता है, वो होमोसर्कल टेल या जो डायफी सर्कल या दूसरे प्रकार के जो पूंछ होते हैं वो आमतौर पर बोनी फिश में पाए जाते हैं। फिर देखिए हार्ट, इसका वेनस हार्ट इसको एक हार्ट होता है जिसको हम सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। देखिए ये हार्ट बेसिकली ये मेन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो तो ये है, यहां से लेकर के यहां तक ये इसका ऑरिकल है और इसका वेंट्रिकल है, और यहां पर एक और चैम्बर होता है, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक है। इस चैम्बर को हम कहते हैं साइनस वेनोसस। ये जो चैम्बर है इसमें सारे के सारे वेन्स हैं या जो शिराएं हैं, रक्त शिराएं हैं, ये खून लेके पहुंचती है। खून लेके पहुंचने के बाद इसको ट्रांसफर करते हैं एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से यहां पर अगर ये बोनी फिश कार्टिलेजनस फिश है तो इसको हम कोनस आर्ट्रियोसस कहेंगे, बोनी फिश है तो इसको हम बल्बस आर्ट्रियोसस कहेंगे। तो इसके जरिए फिर ये शरीर के जो वेंट्रल आयटा है यहां से ये शरीर के अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये सिंगल सर्किट हार्ट है। हमारे में क्या होता है कि हमारे में रक्त आता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से फिर
लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, फेफड़े से निकल करके क्या होता है कि वो फिर से हार्ट में आता है और फिर हार्ट से आकर के शरीर में जाता है। तो हमारा हार्ट डबल सर्किट है। इस प्रकार का जो सिंगल सर्किट हार्ट है जिसमें ब्लड एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, इस प्रकार के हार्ट को हम सिंगल सर्किट हार्ट या वेनस हार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेन्स ही होते हैं, आर्टरी जो होते हैं फिर से दोबारा से आर्टरी से ब्लड नहीं आता। साइनस वेनोसस होता है, इसमें फिर रीनल और रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है, एक निवाहिका तंत्र कहते हैं उसको। आपने यकृत में निवाहिका तंत्र का नाम सुना होगा, किडनी में भी होता है। इनके जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रंग रक्त कोशिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट या आरबीसी बोलते हैं। तो ये इरिथ्रोसाइट्स के न्यूक्लिएटेड होते हैं। पाइक्लोसाइट्स की बात हो गई। किडनी, किडनी लिखा हुआ है मीजोनेफ्रॉस। किडनी का जब इवोल्यूशन हुआ, जब जंतुओं में किडनी जैसे संरचना का एक उत्सर्जी अंग का निर्माण शुरू हुआ ना, तो सबसे पहले जो किडनी या जो उत्सर्जी अंग का निर्माण हुआ तो उनको आर्किनेफ्रॉस कहते थे। फिर उसके बाद बना प्रोटोनेफ्रॉस, और प्रोटोनेफ्रॉस के बाद मीजोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस के बाद जो सबसे विकसित प्रकार की, जो सबसे जो विकसित प्राणियों में पाई जाने वाली किडनी होती है उसको मेटानेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रॉस कहते हैं। तो इसमें सर्वाधिक विकसित किडनी नहीं है, मतलब किडनी का अगर इवोल्यूशन है, किडनी का जो विकास हुआ है उसमें से कुछ बीच के दौर का एक किडनी है। और मीजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, जब हम मछली का अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे कभी क्लास में आपसे। तो ये मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक होती है। यूरियोटेलिक मतलब कि कुछ जानवर होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं, उसको हम एमिनोटेलिक कहते हैं। कुछ यूरिया निकालते हैं, उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। कुछ जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अगर यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है तो उसको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। ब्रेन के पांच पार्ट होते हैं, जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये आप याद रखना कि जो कपाल तंत्रिकाएं होती है, वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती है उसको हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। वो तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं। ये 10 जोड़ी अपने को याद करने हैं, लेकिन हम तब पढ़ेंगे जब किसी मछली के बारे में पढ़ेंगे। नॉस्ट्रिल्स यानी कि जो नासा छिद्र होते हैं, ये जोड़ी में होते हैं, और ये डिप्लोई को छोड़ करके आमतौर पर ये मुख गुहा में ही खुल जाते हैं, नहीं तो डिप्लोई है तो उसमें फैरिंग से खुलेंगे नेजल। अच्छा, जो नासा छिद्र होते हैं या तो वो सेपरेट होगा, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रिक्टिस में तो आधा सेपरेट होता है, हमारे में भी जो नासिका छिद्र है तो दो छिद्र हैं, बीच में एक नेजल सेप्टम बना हुआ है। तो उस प्रकार का नेजल सेप्टम पूरा नहीं होता जो कार्टिलेजनस फिश होती है, लेकिन बोनी फिश में पूरा होता है। और इसके साथ ही हम आगे देखें कि टिम्पैनिक कैविटी, जो इसमें क्या होता है, कोई बाह्य कर्ण नहीं होता। यहां पर का जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला पार्ट, यहां पर इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसा है जिससे कि आवाज सुनता है, और फिर इसका मिडिल ईयर में जाता है। मिडिल ईयर में हमारी तरह तीन हड्डियां नहीं होती, मेलियस इंटरस्टिप, इसमें कॉलोमेला ओरी जैसा कुछ हड्डियां होता है, यानी कि ईयरोसाइटल्स में नहीं होते। तो इसमें ईयरोसाइटल्स नहीं है, और जो अंदर का जो आंतरिक कर्ण है वो ये उसकी ये संरचना है। इसमें आप देखेंगे सकलस है, यूट्रिकुलस है, लेगाना है, उसके बाद एक ये दूसरा तीसरा ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं, इसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आंतरिक कर्ण की संरचना इसकी ऐसी होती है। तो टिम्पैनिक कैविटी होता है और ईयरोसाइटिस नहीं होता। और टिम्पैनिक कैविटी यानी कि जो कान के अंदर जो बाह्य कर्ण की जो गुहा होती है वो नहीं होती, इंटरनल ईयर होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। लैटरल लाइन सिस्टम, ये देखिए सर, ये जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये हर मछली में आप उसके चित्र को गौर करोगे तो उसमें ये लाइन दिखेगी, और इसको हम कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम, जो पूरी तरह विकसित होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, नर और मादा अलग होते हैं, और जो गोनैड्स होते हैं, जो जैसे टेस्टिस है, ओबरी है, ये सब जो हमारे जनन कोशिकाओं को बनाने वाले जो अंग हैं, इनको हम गोनैड्स कहते हैं, जनन कहते हैं। तो आमतौर पर पेयर्ड होते हैं, यानी कि जोड़ी में होते हैं, और उन जनन से जो निकलने वाला जो गोनोडक्ट है, जैसे ओवी डक्ट है या स्पर्मेटिक डक्ट है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्लोइका में खुलती है। क्लोइका और एनस में आपको फर्क पता है कि जहां यूरिनरी सिस्टम और
जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर एक ही चैम्बर में खुलता है उसको क्लोएका कहते हैं, दोनों अलग अलग खुलते हैं तो जो एलिमेंट्री कैनाल जहां खुलता है उसको एनस बोलते हैं, और यूरिनरी के लिए एक दूसरा ओपनिंग होता है। और ये देखिए, ये लैटरल लाइन सिस्टम है, शरीर के ऊपर का पार्ट है जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। छिद्र के नीचे यहाँ पर यूरोमास्ट कोशिकाएं हैं, जब फिश का हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने फिश के जनरल कैरेक्टर को पढ़ा। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।